मैंने पूछा था कि जब कोई स्टार सन होता है इंडस्ट्री में, जब आता है अपना डेब्यू करता है, तो जो उनकी छवि होती है, जो उनके पुरखे कर चुके हैं, उनको निभा पाना सही तरह से बहुत ही मुश्किल होता है। तो राजीव कपूर के लिए एज ए डायरेक्टर क्या कहना चाहेंगे आप? आई थिंक राजीव कपूर बहुत ही टैलेंटेड डायरेक्टर है मेरी नज़र में तो, और मुझे बड़ा अफसोस होता है कि मतलब वो फिल्म नहीं चली किन्हीं कारणों से। अब फिल्म ना चलने तो किसी के हाथ में नहीं रहता, तो पब्लिक के ऊपर है, पब्लिक नहीं पसंद करती। बट आई एम वेरी सैड कि इतने टैलेंटेड, क्योंकि मेरे हिसाब से तो ही इज़ अ वेरी टैलेंटेड, इतने सेंसिटिव ह्यूमन बीइंग इन टर्म्स, सेंसिटिव इन टर्म्स ऑफ डायरेक्टर, क्योंकि इतनी मुश्किल और मचोर फिल्म थी प्रेम ग्रंथ। मुझे अफसोस है कि एक फिल्म नहीं चली तो उन्होंने डायरेक्शन बंद कर दिया, पर मुझे लगता है कि राजीव जी बहुत ही अच्छे डायरेक्टर हैं, और आगे मैं ऐसा उम्मीद करती हूँ, एंड आई ऑलवेज होप, कभी कभी उनसे बात होती है तो आई एम ऑलवेज सेइंग कि व्हेन आर यू डायरेक्टिंग योर नेक्स्ट फिल्म। मुझे लगता है वो बहुत ही खूबसूरत फिल्म बनाएंगे, और कीपिंग आर के ट्रेडिशन इन माइंड। हाँ, जो मैं यही कह रहा था, वुमेन ओरिएंटेड फिल्म बनाते थे, हमेशा वुमेन को सेंट्रल कैरेक्टर दिया था। कभी कोई ऐसी फिल्में होती थी जिसमें वुमेन को न्यूड भी दिखाया गया, लेकिन कभी ऐसा नहीं लगा कि बिल्कुल सेंसुअस सीन्स हो रहे हैं या हॉटेस्ट सीन चल रहे हैं, बिल्कुल जो रियलिटी चीज़ें होती थी वही दिखाते थे। तो क्या कहना चाहेंगे आप इसके लिए? जी, मैं बिल्कुल आपसे एग्री करती हूँ, क्योंकि मुझे लगता है राज साहब अपने ज़माने के विजनरी थे। उनकी जो फिल्में उन्होंने बनाई हैं, आग है, जिस देश में गंगा बहती है, कोई भी फिल्में आप देखो, बड़े प्रोग्रेसिव थे। और शुरू की जो उनकी फिल्में देखो, उनका नाम जो जोकर का कैरेक्टर उन्होंने, ही वॉज़ अ आंसर टू इंडियाज़, ही वॉज़ इंडियाज़ चार्ली चैपलिन यू कैन से, मतलब कॉमन मैन। और वो गाना तो आपको पता है नेशनल एंथम ही बन गया था, मेरा जूता है जापानी। और उन्होंने फिल्म जागते रहो भी बनाई है, पर हाँ, राज साहब की खूबसूरती थी कि वो औरत ओरिएंटेड, जो औरतें प्रधान सब्जेक्ट है, उनके साथ जस्टिस करते हैं। और मुझे नहीं लगता कि वो कहीं भी वल्गर, आप देखिए अगर बात करेंगे राम तेरी गंगा मैली, तो उसमें जो उन्होंने दिखाया गया, जो भी मंदाकिनी, आई थिंक मंदाकिनी ने इतना खूबसूरत वो किसी फिल्म में नहीं लगी, एंड शी सूटेड दैट कैरेक्टर। वो लगती थी पहाड़ी लड़की, और वो मेरे ख्याल से वो जो झरने में वो प्योरिटी दिखाना चाह रहे थे गंगा की, उनकी नज़रों में। तो क्रिएटिवली, अब राज साहब क्रिएटिवली जिस तरह से देख रहे हैं, हु आर वी मेयर मॉर्टल्स टू टॉक अबाउट इट, तो मुझे नहीं लगता था, क्योंकि वल्गैरिटी तभी होती है जब आपका इंटेंशन हो सिर्फ आप टिटिलेशन के लिए कर रहे हो। अगर वो थीम में ज़रूरी है तो दैट इज़ नॉट वल्गर। जी, ऋषि कपूर एज ए एक्टर क्या कहना चाहेंगे आप उनके लिए? कि उनके लिए मतलब मैं क्या कह सकती हूँ, मतलब मैं आप जब मतलब, एंड चिंटू जी इज़ बीन माई फेवरेट एक्टर जब से मैंने उनकी फिल्म बॉबी देखी। मुझे याद है जब मैं उनके साथ आप लौट चले डायरेक्ट कर रही थी, तो मैं उनको बोलती थी, मैंने जब स्कूल में आपकी बॉबी देखी थी, तो बोलते हैं हिमानी अगर ऐसी बात करोगी ना, मैं तुम्हारी सारी लाइनें काट दूंगा। बट रियली ही इज़ सच अ फाइन एक्टर, इतने सेंसिटिव एक्टर है, वेरी सटल। आई थिंक ही इज़ वन ऑफ द फाइनेस्ट एक्टर्स जो कि हम इस वक्त इंडस्ट्री में हैं।